बड़ी खबर और कांग्रेस से जुड़ी हुई, क्योंकि आज पार्टी की सियासत का काफी अहम दिन है। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकल चुके हैं, दूसरी तरफ मुंबई महाराष्ट्र की खबर है कि उनकी पार्टी के सदस्य मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। मतलब कांग्रेस एक तरफ न्याय यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ उनको झटका भी लग जाता है। अब यात्रा के लिए दिल्ली से मणिपुर रवाना भी हो चुके हैं और इस बीच मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कभी राहुल के भरोसेमंद और करीबी माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा उनकी न्याय यात्रा के बीच खुद नए सियासी सफर पर निकल पड़े हैं। अब वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होंगे। तो दो तस्वीरें सुबह सवेरे की, दो ये पॉलिटिकल बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये आपको हम दे रहे हैं। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये विमान के अंदर की है, तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई, आज से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और मणिपुर से इसका आगाज होना है और इसके लिए राहुल गांधी पार्टी के अन्य तमाम बड़े नेताओं के साथ दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले राहुल रवाना हुए और कुछ देर बाद वो मणिपुर पहुंच जाएंगे, लैंड करेंगे, जहां से दोपहर में उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं विमान के अंदर की। तो जोश से लबरेज कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं विमान के अंदर, वो आपको सुनवाएंगे भी, एक एक करके तस्वीर भी दिखा रहे हैं। खुद राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए। चलिए, अब कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं, क्योंकि 2024 चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने की इन्होंने कोशिश की है और न्याय यात्रा 20 मार्च तक चलेगी। शुरुआत इसकी मणिपुर से आज ही होने वाली है, दोपहर, अब से थोड़ी देर के बाद जब वो मणिपुर पहुंच जाएंगे, उसके बाद मुंबई में समापन होगा। ये पूरी अपडेट आपको, जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए, तमाम जो राज्य हैं, 15 राज्य, इसमें करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, और आज यात्रा का आगाज दोपहर में होना है, जैसे कि आपको जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी मणिपुर में खोंगजोम में युद्ध स्मारक पर भी जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन भारत न्याय यात्रा के मायने क्या है ये भी जानना पड़ेगा। चलिए इसको इस तरफ से ले लेते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मायने हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव पर फोकस, 15 राज्यों की 357 लोकसभा सीटों पर खास नजर। और इसके साथ ही आपको बता दें जो यात्रा है, लेकिन एक तरफ तो यात्रा हो रही है लेकिन झटके भी तो लग रहे हैं। मिलिंद देवड़ा पार्टी उन्होंने छोड़ दिया, बीजेपी को तंज करने का मौका मिल गया। वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कि पहले राहुल अपने नेता के लिए तो न्याय करें। विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश होगी, लेकिन क्या उनके इस न्याय यात्रा में, राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी जो ये निकाल रही है, क्या विपक्ष के लोग भी इस यात्रा में खुद को शामिल करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले कह दिया था कि ये कांग्रेस की न्याय यात्रा है, ये कांग्रेस की यात्रा है, और खुद को उन्होंने अलग रखा था। लेकिन मणिपुर से शुरुआत आखिर क्यों? 8 महीने से मणिपुर में हिंसा के बहाने सियासत लगातार हो रही है और बीच बीच में सुलग भी जा रही है। अगर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश भी होती है तो कुछ ना कुछ घटना सामने आती है। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि ये जो एकजुटता है उसका लक्ष्य ही है 2024 में एनडीए के विजय रथ को रोकना, मोदी के रथ को रोकना, भारतीय जनता पार्टी को रोकना। पूर्वोत्तर में पकड़ बनाने की पूरी कोशिश होगी, पूरा फोकस वहां से, इसलिए शुरुआत भी वहीं से हो रही है। पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों पर नजर है, आह्वान भी किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है अपने पार्टी में और जो घटक दल हैं उनके नेताओं को आमंत्रित किया है कि इस यात्रा में खुद को वो शामिल करें और मजबूती प्रदान करें। तो पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों पर इस न्याय यात्रा की नजर होगी। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारे लेफ्ट में और राइट में आप देख पा रहे हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं। चलिए, अब जहां राहुल की यात्रा होगी वहां कांग्रेस की स्थिति क्या है ये भी समझ लीजिए। और कौन कौन से राज्य, पूर्वोत्तर की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की राज्य है मणिपुर, कुल लोकसभा सीटें हैं यहां 2, कांग्रेस के पास एक भी नहीं है, ये 0-0 आप देख रहे हैं। नागालैंड में 1 सीट, यहां कांग्रेस का कब्जा नहीं है, वो सीट उनके पास नहीं है। असम में जरूर 3 सीटें मौजूद हैं 14 लोकसभा सीटों में से। अरुणाचल प्रदेश 2 हैं, मेघालय में 2 और 42 हैं, पश्चिम बंगाल में वहां भी 2। इसी पर ममता बनर्जी कह रही हैं 2 ही सीटें देंगे, जिस पर अभी कांग्रेस ने सहमति नहीं भरी। जा रहा है कि एक जगह एक मंच पे नहीं आ पा रहे नीतीश, आप अगर घर पे आपके घर पे अगर बेटा या बेटी को शादी होते हैं आप तो न्योता देते हैं, आपका परिचित जन, आपका सारे रिश्तेदारों को सब आते हैं क्या? सब तो नहीं, तो क्या करे? अभिषेक बंदोबस्त है।
जा रहा है कि एक जगह एक मंच पे नहीं आ पा रहे नीतीश। आप अगर घर घर पे आपके घर के घर पे अगर बेटा या बेटी को शादी होते हैं, आप तो न्योता देते हैं, आपका परिचित जन, आपका सारे रिश्तेदारों को सब आते हैं क्या? सब तो नहीं, तो क्या करे? अभिषेक बंदोबस्त। चलिए आप सभी को इम्फाल लिए चलते हैं। वैसे तो अभी जो प्लेन है राहुल गांधी और तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो अभी हवा में हैं, क्योंकि अभी इम्फाल लैंड किया उन्होंने नहीं है। कुछ देर के बाद उनका जो प्लेन है वो लैंड करेगा और दोपहर में यात्रा शुरू होगी। लेकिन इसके पहले आज तक की टीम इम्फाल पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू वहां पर मौजूद है इम्फाल में। इंद्रजीत, किस तरह की तैयारी है और यहां से शुरुआत अगर कर रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस न्याय यात्रा की, तो इसके मायने क्या है, दर्शकों को यह भी समझाइएगा। बिल्कुल आशुतोष, इस वक्त हम लोग हैं इम्फाल एयरपोर्ट में। आपको दिखाएं पीछे किस तरह से कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो यहां पे सुबह से खड़े हैं, एक के बाद एक कांग्रेस के जो नेता है वो आ रहे हैं, लेकिन इंतजार राहुल गांधी का है। और ये देखिए काफी ठंड है, लेकिन शर्टलेस है जो कांग्रेस के समर्थक है, उसके साथ साथ कांग्रेस के जो नेता है उनका टैटू लगाया हुआ है, उसके साथ साथ राहुल गांधी जिंदाबाद का टैटू भी इनके शरीर पे है और जोश काफी है यहाँ पे कांग्रेस के जो कर्मी हैं। हालांकि इम्फाल में जो रैली है वहां पे परमिशन नहीं दिया गया है। 25 किलोमीटर दूर इम्फाल से बाहर थौबाल जिले में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा 2.0 उसका शुरुआत आज राहुल गांधी करने वाले हैं। वो इस वक्त हवाई जहाज में है, कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन उनके साथ एक बड़ी जो डेलीगेशन है कांग्रेस का वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो सब एक साथ एक ही फ्लाइट में राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट पे पूरा फोकस है। आप सोचिए मणिपुर जहां पे पिछले 9 महीनों से एथनिक क्राइसिस चल रहा है, राहुल गांधी पहले भी यहां पे आ चुके हैं, फिर से यहीं से शुरू कर रहे हैं। इसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि जहां एक और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य थे वहां पे एक समय पे कांग्रेस का सरकार हुआ करता था। 2014 के बाद पॉलिटिकल जो स्पेस है वो कांग्रेस का सीमित होता हुआ दिख रहा है और कांग्रेस चाहती है कि 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को नॉर्थ ईस्ट में रिवाइव किया जाए। यही मैसेज के साथ राहुल गांधी आ जाएंगे। हालांकि कल जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये कोई इलेक्टोरल रैली है नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल एक विचार का रैली है। लेकिन एक चीज साफ है, जिस तरह का प्रिपरेशन है और जिस तरह का मैसेज कांग्रेस देना चाहती है, इससे आप कह सकते हैं कि 2024 की कांग्रेस की जो कैंपेन है इलेक्शन की वो आज शुरू होने वाली है मणिपुर के इस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के रैली से। आशुतोष, ठीक है इंद्रजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। लेकिन तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, सियासी प्रतिक्रियाएं किस किस की हैं आपको बता दें। अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान और मौजूदा मुख्यमंत्री असम हेमंत बिस्व शर्मा, दोनों क्या कुछ कह रहे हैं आमने सामने सुने। बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है राहुल जी ने और इतिहास बनेगा इससे, क्योंकि जो चुनौतियां हैं देश के सामने हर क्षेत्र के अंदर, पूरा देश चिंतित है, चाहे वो लोकतंत्र खतरे में हो, संविधान की ध्वजा उड़ रही है और जो मूलभूत समस्याएं हैं देशवासियों के सामने हैं, चाहे वो महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, समाज में जो बिखराव हो रहा है, तनाव है, हिंसा है, वो माहौल समाप्त होना चाहिए। ये राम का साथ अन्याय करता है वो भारत का साथ कैसे न्याय करेगा? जो ये राहुल जी रामलाला को ठुकरा रहा है वो क्या भारत को अपना बन दिखाएगा? तो ये यात्रा का नाम भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। पाकिस्तान को वो लोगों ने ही भारत से अलग कर दिया, भारत तो तोड़ दिया था 1947 में यही कांग्रेसी लोगों ने, और अभी अन्याय भी कर रहे। तो ये यात्रा का नाम है भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। तो एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया। आज ही के दिन पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और आज ही वो महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ने की जानकारी सोशल मीडिया पर जारी की है, एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। मिलिंद देवड़ा को राहुल गुट का माना जाता रहा है और आज का दिन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आज राहुल गांधी आज से ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं और इसी के बीच उनके भरोसेमंद मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ने और अपनी नई पारी का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। मिलिंद देवड़ा ने लोकसभा चुनाव में दक्षिण मुंबई
में शिवसेना उदय गुट के दावे को चुनौती दी थी। इस सीट से फिलहाल उदय गुट के अरविंद सावंत सांसद हैं। विपक्षी गठबंधन में ये सीट उदय गुट कोटे में जाने से पहले देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर शिंदे गुट में जाने का फैसला किया। पहली प्रतिक्रिया आई और कहते हैं मैं विकास के मार्ग पर अब निकल रहा हूं, इसके कई मायने हैं, पहले नहीं थे, ये भी है। चलिए, क्यों छोड़ी कांग्रेस पार्टी? साउथ मुंबई सीट को लेकर विवाद चल रहा था, देवड़ा ने क्यों छोड़ी कांग्रेस पार्टी, ये भी इनसाइड स्टोरी समझनी होगी। मिलिंद दो बार से सीट हार रहे थे, ये भी है इंफॉर्मेशन। अब 2004 में मिलिंद साउथ मुंबई से जीते थे और उनके नाम रिकॉर्ड भी था, सबसे कम उम्र में सांसद बने थे। 2014 और 2019 में साउथ मुंबई से ये हार गए थे, यानी कि दो बार।